So please introduce yourself, young man. So hi sir, my name is Shantanu Obroy. I am a very creative individual. I am 23 years old and I have recently completed my graduation, and I am a very reliable person and a team player and looking for a company that gives me career path, job satisfaction and self-fulfillment. And here are my other details in my resume. अबे चुप हो यार, इतना बोरिंग इंट्रो देगा तो कौन सुनेगा तेरी। मैं बताता हूँ यार, आप लोगों को इसको नहीं आता मुझे इतना। बस मेरे रिज्यूमे सो आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ पंजाबी हिंदू फैमिली। हम शुरू से ही दिल्ली में रहते हैं। हम स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम चंडीगढ़ भी रहते हैं, पर बहुत कम टाइम यार। मतलब मैं सही बताऊँ तो लगा लो 99.2% टाइम मेरा दिल्ली में ही रहा है। स्कूल और कॉलेज भी दिल्ली से ही किया, तो आप दिल्ली से ही मान लो क्योंकि मैं दिल्ली से ही हूँ। तो स्कूल में आई बहुत पढ़ाई में ठीक ठाक और स्पोर्ट्स में थोड़ा आगे, और 2016 में विद 92% इन बोर्ड्स, इस उम्मीद में कि मुझे TU मिल जाएगा, मैं पहुँच गया IP। इन द कोर्स कॉल्ड BBA, क्योंकि मेरे पास कॉमर्स और मैथ्स थी। लेकिन तब सोचा कि गवर्नमेंट जॉब भी करनी है, तो जो भी कोर्स मिले या जो भी कॉलेज मिले कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, अपनी गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर लेंगे एंड इवेंचुअली कर लेंगे क्लियर और वहाँ पहुँच ही जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आया कहानी में एक ट्विस्ट। हुआ ये कि मेरा वहाँ की डांस सोसाइटी में एडमिशन हो गया, विच वॉज दी बेस्ट थिंग टिल डेट। फेस्ट ऑर्गेनाइज करते करते, फेस्ट में पार्टिसिपेट करते करते और दोस्त साथ वेले घूमते घूमते और थोड़ी सी पढ़ाई करते करते वो 3 साल भी खत्म हो गए। तो उसके बाद यार ना तो कॉलेज से मुझे प्लेसमेंट मिली और ना तो मैंने डांस कंटिन्यू किया प्रोफेशनली। और कॉलेज खत्म होने के आसपास मैंने PUBG बहुत खेली है, काफ़ी ज़्यादा। और 2 साल पहले ही कॉलेज ख़त्म हुआ था यार। ये बात बोलते हुए काफ़ी दर्द सा हुआ यार, मतलब 2 साल पहले कॉलेज ख़त्म, ₹50 कट ओवर एक्टिंग की वजह से। फिर उसके बाद आई गॉट अ जॉब इन अ वीडियो प्रोडक्शन कंपनी एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, और अभी कुछ महीनों पहले मैंने वो भी छोड़ दी। एंड करंटली आई एम वर्किंग एज अ फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर, फोटोग्राफर, फिल्म मेकर, कंटेंट क्रिएटर एंड बेसिकली जो भी इसके आसपास के रिलेटेड फील्ड्स हैं उसमें आई एम अ फ्रीलांसर। और यही है यार अपनी दाल रोटी का जरिया, बाकी फ्यूचर का भी ऐसा कुछ प्लान नहीं है। आई एम प्लानिंग टू डू मास्टर्स इन डिज़ाइन और बाकी हाँ अभी यूट्यूब पे थोड़ा ध्यान। यार ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस की बातें छोड़ते हैं, दिस इज़ नॉट एन इंग्लिश क्लास। तो मैं बता दूँ अपने बारे में अच्छे से। तो शुरू से ही काफ़ी अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट रहा है और जो भी चीज़ करी है पूरे दिलो जान से करी है। लाइक जब 12th में पढ़ाई की बारी थी तो अच्छे से करी, जब डांस करता था तो अच्छे से करा, बिल्कुल अच्छे से सीखा उसको, प्रोफेशनली भी करता था मैं डांस। और अब तो यूट्यूब पर भी आ गया हूँ, तो वॉच आउट फॉर मी। यार इन सब के अलावा आई लव टू ट्रैवल, मुझे नए एक्सपीरियंसेस करने का बहुत शौक है, मुझे नए लोगों से मिलने का बहुत शौक है और अब तो आप लोगों से शेयर करने का भी शौक है। तो अगर ये वीडियो देख के आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या करना चाहता हूँ, तो इतना कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब वी बोथ आर इन द सेम प्लेन आई गेस। मजाक छोड़ के आई एम जस्ट being very vela in the name of exploring Amiro ki scheme, you know, right? So long story short, I am a guy who has played football throughout the school life of commerce with maths mein 12th mein 92% laake government job ke sapne leke I applied to the graduation and danced all the way through my college life, and currently I am working as a freelance graphic designer, photographer and a filmmaker and ब्लॉगर ऑल्सो, और आगे का भी पता नहीं है कोई सेंस है इस बात की।
सो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी. मैंने बहुत छोटा रखने की कोशिश करी है इसको, क्योंकि ये था अभी 2 नंबर का क्वेश्चन. अभी आगे आने वाले क्वेश्चन जो होंगे वो 8-8 नंबर के होंगे, तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कुछ पुरानी बातें कॉलेज की, स्कूल की, या जो आने वाले एक्सपीरियंसेस होंगे वो सब, या जो भी एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू माई लाइफ. मैं इस चैनल पर जितना हो सकेगा उतना शेयर करूँगा, तो बने रहें. तो यार एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि मुझे 3 C's पसंद है. पहले सी बनती, समझ जाओ पागल बनती. मैं अपने ब्लॉग्स में इतने अच्छे शब्दों का उपयोग कर नहीं पाऊँगा. दूसरी है चाय, जो कि अभी चल रही है. और तीसरा है चिकन, जिसकी सीटी अभी आपने सुन ली है. तो अभी हम खाएंगे उसको. तो मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अगले व्लॉग में. तब तक के लिए एज ऑलवेज टेक केयर एंड आई विल सी यू सून. आवाज चिकन कुकड़ू को, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू को, यही